रिटेंशन पॉलिसीज मैं समझता हूँ कि जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जिससे आपके इंप्लॉयिज़ को रियल टाइम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक पॉलिसी है कार पॉलिसी यार आप घड़ी दे दें आप इतना कमा रहे हैं आप घड़ी दे दें क्यों नहीं दे रहे आप घड़िए और देर आर सेवरल वेज के आप डाउन पेमेंट पे करके दे सकते हैं या आप मतलब चाहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे दे तो देर आर पहली वेज दूसरा मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिसी ये है कि अगर आपके यहाँ पर मेरिड लोग काम करते हैं तो डे केयर सेंटर बनाए उनके लिए खवतान के लिए तो क्योंकि खातान जितना अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करेंगी वो आएंगी जिम इज़ वन वन अनदर थिंग जो आप जो है वो कर रहे हैं फिर आपको इन्वामेंट और कल्चर ऐसा बनाना है जिसमें वो कम्फर्टेबल फ़ील करें सही कि वो कहीं यार देखो यार मैं आ रहा हूँ देखिए मुनीर मैं ये समझता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब कामयाब होगी जब आपके इम्प्लॉयज़ और टीम खुश होती है टीम कब खुशी होती है जब उनको ये लगे कि मंडे आया तो वाओ मैंने ऑफिस जाना है और मजा आना है मुझे ऑफिस में जाके ना ये फीलिंग आएगी तो इसका मतलब है कि आप सही इदारे में काम करें अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि यार मैंने ऑफिस जाना है और ये क्या ये आपका पड़ा हुआ है ये इश्यूज है इसका मतलब है कि यू आर ऑन रॉन्ग रॉन्ग प्लेस आपको फिर वो जगह चेंज करने की जरूरत है लेकिन आपको नहीं लगता असल में ये जो आप बातें कर रहे हैं ये जस्ट फिट होती है बड़ी टॉप 5% 10% कंपनीज में बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज दे देखिए नॉट अफोर्ड सच फैसिलिटीज तो वो क्या करें अब देखें ये जो आपने बात की आप नेटफोल की बात कर लें सिस्टम्स की बात कर लें दे प्रॉबली कैन अफोर्ड कार भी दे दी जिम भी बना दिए डे केयर भी बना दिए बट छोटी एजेंसीज जहाँ से जहाँ पे ज़्यादातर जो हैं पाकिस्तान में 10 इंप्लॉयज़ से लेके 25, 30, 40, 50 इम्प्लॉयज़ तक दे देखिए नॉट अफोर्ड सच लग्जरी बिल्कुल लेकिन मजे की बात आपको बताऊँ कि ऐसे जो इदारे हैं वो दस लाख पे आठ लाख पे बंदा रख लेंगे क्यों भला वो इसलिए रखेंगे क्योंकि डॉलर तो उनको ज़्यादा आ रहे हैं ना उस आठ लाख पे पाँच लाख पे भी तो बचत है आप सैलरी पे खर्च कर रहे हैं आप उसको पूरा पैकेज बना के क्यों नहीं दे रहे पर्स एंड बेनिफिट्स बना के क्यों नहीं दे रहे आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर ऐसा ऐसा खर्च करेंगे लेकिन 25 से 50 पे जाने के लिए आपको ये कड़वा घूट भरना पड़ेगा सर लेकिन नहीं, मैं सॉरी यहाँ पर डिसएग्री एग्री हाँ, करूँगा थोड़ा सा डेफिनेटली मेरा हक नहीं है क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं डोमेन लेकिन मैं अपने एज ए सी ऑफ द कंपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ उनको देखिए यहाँ आज का जो बच्चा है ना सर उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा उसको जिम नहीं चाहिए सर उसको लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए उसको डे केयर सेंटर नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ ही नीड हैंडसम सैलरी टू बी सेंड टू हिज अकाउंट तो उसको अगर बेनिफिट की बात करें बेनिफिट आप देख लें बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी आउट देयर क्योंकि उनके लिए अब मिसाल के तौर तो पर जिम की बात कर लेते हैं जिम की ऑन एन एवरेज फीस पांच से दस mm. हजार के ब्रैकेट बिल्कुल, में, बिल्कुल, में। mm. आप कहते हैं जी दस हजार में नहीं दूंगा आपको मैं आपको जिम देता हूँ क्यों एज ए कंपनी ओनर आई वॉन्ट यू टू स्टे फिट Hmm. वो कहता है भाई फिट गया तेल लेने मुझे भाई दस हजार दो मेरे घर में चार दफा गोश बन जाएगा मैं उससे खुश हूं